इलाहाबाद में जिसको प्रयागराज बोलते हैं, प्राचीन नाम प्रयाग था, आज भी हर 12 वर्ष के बाद वहां कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में ही वो विश्वविद्यालय स्थापना के लिए लोगों वहां के मानिंद जो बाहर से आए थे उनसे विचार विमर्श कर रहे थे। जब मंच से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए घोषणा किए तो एक वृद्ध औरत प्रथम दान दी, और वो भी एक पैसा के रूप में, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नींव की स्थापना एक पैसे के रूप में हुई। अब सोचोगे कि एक पैसा क्या होता है, लेकिन उस वृद्ध औरत का जो दान है स्वर्णाक्षर में आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में लिखा हुआ है। चंदा के क्रम में एक ऐसा घटना, देखो कैसे लोग किसी भी चीज को अपने ओर परिवर्तित कर सकते हैं और कर लेते हैं, वही मानवीय गुण हमारे लिए अनुभूति का चीज है। कैसे हैदराबाद के निजाम के पास गए चंदा के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हैदराबाद के निजाम के पास गए चंदा के लिए, वहां दरवाजे पर जाकर के दरवान को बोले कि जाकर के बोलो 5 मक्कार आए हैं। वहां जाकर के बोले कि जाकर के बोलिए निजाम जी से कि 5 मक्कार आए हैं। मक्कार का अर्थ समझते हो, कोई ऐसा है जो मक्कार का अर्थ बता दे? निजाम सर दरवान को बोले कि जाकर के बुला के लेकर आइए। वहां देख रहे हैं तो मात्र एक व्यक्ति, बोले अभी तो आप खबर भिजवाए कि 5 मक्कार आए हैं। बोले हां 5 मक्कार आपके सामने हैं, हमारे नाम में 5 म है, यानी कि 5 बार म का आकार होता है, इसलिए हम 5 मक्कार हैं। उसके बाद निजाम से चंदा मांगे, निजाम बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा जूता है। एक ब्राह्मण पूरे विश्व पटल पर ब्राह्मणत्व के रूप में या उनसे बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं था उस समय, उस व्यक्ति को निजाम जूता दिए, क्या यह शोभनीय था? किसी भी दृष्टि से लोगों के नजर में शोभनीय नहीं था, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय उस जूते से भी अपनी संभावनाओं का समस्या का हल ढूंढ लिए। वो जूता लिए और हैदराबाद के चौक पर जाकर के खड़ा हो गए कि हैदराबाद के निजाम के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, केवल जूता है। अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप अपने निजाम का इज्जत कितने में बेच रहे हैं, और जूते का नीलामी शुरू कर दिए। उनको तो चंदा लेना था, जूता दे दिए, तो जूता से तो विश्वविद्यालय बनेगा नहीं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति का जूता था जो हैदराबाद में प्रसिद्ध व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति था, और उसका भी इज्जत उतारने के लिए वो तैयार है। जूता नीलामी शुरू हो गया, तुरंत खबर निजाम के पास आया, निजाम तुरंत आदमी भेज करके दौड़े दौड़े करके जाकर के लेकर के आओ यहां, सच में वो मक्कार हैं, मां से शुरू हुआ है, मां में ही सब कुछ है। और आ करके उस समय 10 लाख रुपया चंदा दिए। जो हिंदू विश्वविद्यालय का उस समय का सबसे बड़ा चंदा था। आप लोग होते, हम लोग होते, तो वो जूता को लेकर के सोचते कि उस जूते का करेंगे क्या, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय उस जूते को भी हैदराबाद बाजार में नीलाम करने लगे और 10 लाख रुपया लेकर के आए। अर्थात जो व्यक्ति 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं था उससे 10 लाख ले लिए। अगर वो जूता नहीं नीलाम करते तो 10 लाख नहीं मिलता। इसीलिए कभी कभी हमारे जैसा अल्हड़ बनारसी बार बार बोलता है कि विश्व में कोई सबसे बड़ा भिखमंगा है तो पंडित मदन मोहन मालवीय, चाहे वो काशी नरेश से मांगे हो प्रभु नारायण से, या दरभंगा नरेश से हो, या किसी भी भारत के धार्मिक रुचियों में धार्मिक रुचि रखने वाले सेठ महाजनों के पास,
इसीलिए आज भी विद्यालय में जाइएगा तो हैदराबाद हाउस, बिरला हाउस, जितने भी छात्रावास या बिल्डिंग है, किसी न किसी सेठ या महाराजा या दानवीर के नाम पर है। वो थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय। ऐसी कोई विधा नहीं थी जिस विधा में वो पारंगत नहीं थे, या कांग्रेस का अधिवेशन हो या कुछ भी हो। अब हम लोग एक एक चीज बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं सत्यमेव जयते। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय से पहले सत्यमेव जयते नहीं कहीं लिखा गया था? लिखा गया था, लेकिन सत्यमेव जयते को भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक स्वर्णाक्षर में लिखवाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार घोषित किए। तो बच्चों, कभी भी विकट परिस्थिति में ये मत सोचो कि हमारे पास संभावना है या हमारे पास विकट परिस्थिति है, तो उसको अपनी संभावनाओं को अपने जीवन के उन लक्ष्यों की ओर कैसे मोड़ ले। हमें ये नहीं है कि कोई भी त्यौहार, अब त्यौहार पर आ रहे हैं, अभी क्रिसमस मनाए, हर्ष उल्लास के साथ सबके चेहरे पर हंसी खुशी, तो त्यौहार होता है क्या, उत्सव होता है क्या? हम अपने अंदर के अनुभूतियों को हास्य या प्रसन्नता के रूप में बाहर निकाल दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि डांस को मजाक के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे 10 क्लास के कुछ पीछे के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी भावना ही वही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि क्या बोला गया, क्या सुना गया, जैसे हम बार बार बोले, जैसे प्रीति मैडम को भी बोले कि मैडम जब कोई बोल रहा है तो उस समय ये सेंटा क्लास को मत भेजिए, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ 10 क्लास के बच्चों को, कि सेंटा क्लास है क्या। उनके नजर में ये हंसी का पात्र है, हंसी का पात्र सेंटा क्लास नहीं है बाबू, वो एक संदेश का पात्र थे, करुणा के सागर थे, लोगों के अंदर उनके लिए करुणा बहता था। तो आपको तो पीछे के बच्चे जो हमारे 10 क्लास के हैं, महामहिम लोग, चेहरा तो भी पहचानते हैं, अभी स्टेज पर बुला देंगे तो बोलने में थरथराहट होता है, जैसे कुछ लोग हैं कि सोचे कि भानु सर जा रहे हैं तो कहीं हमारा नाम न ले, इसलिए धीरे से घसक ले। कुछ नहीं, हम बार 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 बोले हैं कि अगर आप वहां से सुने होते तो यहां से बोलना शुरू करते। अब थोड़ा सा समय भी देखना है और जाते जाते कुछ ऐसा चीज हो ताकि चेहरे पर आपको प्रसन्नता हो। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, 13-13-13, अब इसका विश्लेषण कराना होगा तो कभी अनुराग सर से करा लेना। 13-13-13, पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार बोली, अटल बिहारी वाजपेयी आजम कुमारा थे, हंसना कोई नहीं, ध्यान रखोगे यहां हंसना नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, और महिला पत्रकार बोली कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, केवल आप कश्मीर दे दीजिए। तो जो जिसको शलाका पुरुष, राजनीति का शलाका पुरुष बोला जाता है, वो इस प्रश्न को उत्तर कैसे देगा? बोला कि हम भी शादी करने के लिए तैयार है, दहेज में हमें पाकिस्तान दे दीजिए। आपसे हम शादी करने के लिए तैयार हैं, मुंह दिखाई में हमें कश्मीर चाहिए, और ये बोले कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, दहेज में हमें पाकिस्तान चाहिए। तो बच्चों, ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो महामना हो गए हों, महापुरुष हो गए हों, उनके अंदर हास्य नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर हास्य है। कहा भी जाता है कि कुछ लोग हमारे जैसे हमारे बंधु लोग हैं, और हम कभी कभी क्लास में 10 क्लास में जब रस पढ़ा रहे थे तो बोले भी थे कि जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बाती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें हंसी का भाव नहीं। बस स्वदेश का प्यार तो अलग जगह पर है। जिस मनुष्य के अंदर भाव ना हो, तो जितने भी हमारे
पूजनी हुए हैं। कहा भी जाता है जो महान होता है वो महात्मा कहलाता है, जो महान होता है वो महात्मा कहलाता है, जो शुद्ध होता है वो शुद्धात्मा कहलाता है, और जो देवतुल्य होता है देवत्व कहलाता है, जिसके अंदर सभी गुण हो वही महामना कहलाता है। एक बच्चों, एक चीज को अपने जिंदगी में अगर गांठ लोगे तो कुछ न कुछ बन जाओगे। सीख कर एक नई सीख, यह सीखा कि मैं कुछ सीखता हूं। सीख कर एक नई सीख कि मैं कुछ नया सीखता हूं। बच्चों हर पल हर क्षण किसी न किसी के जीवन से कुछ सीखते रहो। तो समय का भी मोल है, तो कुछ सुनना तो है नहीं। तो क्या अगर आप लोग का आदेश हो, एक तो प्रीति मैडम की ओर से जिंगल बेल होगा, सेंटा क्लास डांस करेगा जिंगल बेल पर और